सिंगापुरियन राइस, कुकिंग ऑयल, अदरक और लहसुन, आधा किलो चिकन, काली मिर्च, सिरका, नमक, चिली सॉस, तो चिकन को हमने इसमें मिक्स कर दिया, सारी चीज़ों को तेज आंच पर पका रहे हैं। और इसके बाद आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ, मेयोनीज शामिल कर रहे हैं, केचप आधा कप और सॉस, काली मिर्च इसमें एक चाय का चम्मच है, लेमन जूस मिक्स कर लेना है, विस्क करेंगे। अब इसके नूडल्स बन रहे हैं, फिर इसके राइस बनेंगे। राइस बड़ी सिंपल है, कुकिंग ऑयल, अदरक, लहसुन, ये स्पेगेटी, गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम, सोया सॉस, काली मिर्च आ गई, चिकन की यखनी, नमक। तेज आंच पे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ज्यादा नहीं। ये आ गए इसमें राइस, सिरका, नमक, सोया सॉस। मिक्स करना है मैक्सिमम 1 आध मिनट के लिए फ्राई करना है बस। और राइस नूडल्स चिकन सॉस आना है, इसमें जो लहसुन इस्तेमाल हो रहा है ये स्लाइस करना है, कुटी लाल मिर्च है, हरी मिर्च शामिल कर दी सीड निकाल के, ये इसका आ गया तड़का, सिंगापुरियन राइस। अच्छा, चावल के लिए बासमती चावल आधा किलो, 2 घंटे पानी में भीगे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, नूडल्स के लिए स्पैगेटी आधा पैकेट, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद छोटी, गोभी स्लाइस्ड 1 अदद छोटी, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 5 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। चिकन के लिए बोनलेस चिकन स्लाइस्ड 500 ग्राम, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, पिसी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, केचप आधा कप, हॉट सॉस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे। चिली मेयो सॉस के लिए मेयोनीज 1.5 कप, हॉट सॉस आधा कप, केचप आधा कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए लहसुन स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1/2 कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत।